आज का सुविचार। तुम कौन हो? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर आपको इस जगत के नमक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपके वचनों को सुना और उस पर विश्वास किया। खुदावंद, आपकी आशीष उनके ऊपर ठहरने पाए। प्रभु प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिन्होंने अपने आप को समर्पण किया आपके सम्मुख, खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं आप इस जगत के नमक के रूप में आप उनको बहुतायत से इस्तेमाल करें। प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, उनको आपके लहू में छिपाते हैं। आने वाले दिनों में खुदावंद खुदा, ये हमारे जीवनों में एक अद्भुत गवाही होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने हम सभियों के जीवनों में दिया। परमेश्वर धन्यवाद के साथ खुदावंद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।